हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर वे ऑफ सक्सेस फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड देयर डिटेल क्लासिफिकेशन सो बेसिक यूज ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन के पार्ट फाइव लेक्चर में आपका स्वागत है सो लेट स्टार्ट अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मरॉक्स You can start the online test series on our mobile application. Download the PharmaRocks Android application on Google Play. So these are the highlights of part 5 video lecture in that we study about the anaesthetics, anti-epileptic drugs, antidepressants, opioid analgesic, cognition enhancer, CNS stimulant, and antipsychotic drugs. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनेस्थेटिक्स से सो एनेस्थेटिक्स एनेस्थेटिक्स इज ए ड्रग और एजेंट दैट प्रोड्यूस ए कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग तो एनास्थेटिक्स का मेन बेसिक यूज क्या है मतलब कि एनास्थेटिक्स मेडिसिन का यूज क्या है तो उसका क्या है कि ड्रग और एजेंट दैट प्रोड्यूस ए कंप्लीट और पार्सियर लॉस ऑफ फीलिंग लॉस ऑफ फीलिंग मतलब कि जब पेशेंट अनकॉन्सियस होता है तभी उसकी फीलिंग्स जो है वो लॉस होती है तो मेनली एनास्थेटिक्स का जो यूज है टू प्रोड्यूस ए अनकॉन्सियसनेस तो वेन ए पेशेंट अंडर गोज ए जनरल एनास्थेटिक दे लूज सेंसेशन एंड बिकम अनकॉन्सियस सो जो हमने बात की कि सेंसेशन लॉस करवाना और साथ में अनकॉन्शियसनेस तो वो दो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स से एनास्थेटिक्स के कि एनास्थेटिक का मेन बेसिक यूज है कि पेशेंट के अंदर आप सेंसेशन लूज करवाओ और साथ में और पेशेंट के अंदर अनकॉन्सियसनेस भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जनरल एनास्थेसिया इज एनेटिक टू इंड्यूस अन्यूरिंग द सर्जरी तो जब भी कोई पेशेंट पे सर्जरी होती है तो इस तरह से जो है, उसको anesthesia दे के, unconsciousness जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है सो द मेडिसिन इज आइदर इनहेल्ड थ्रू ए ब्रीथिंग मास्क और ट्यूब और गिवन थ्रू ए इंट्रावेनस लाइन मतलब कि uh, इस तरह से आप देख सकते हो कि जो ब्रीथिंग मास्क है या फिर आप इंट्रावेनस इंजेक्शन से पेशेंट को है वो एनास्थेटिक का जो डोज है वो डिलीवर करवा सकते हैं सो अ ब्रीथिंग ट्यूब में भी इंसर्टेड इन टू द विंड पाइप टू मेंटेन प्रॉपर ब्रीथिंग ड्यूरिंग द सर्जरी तो एनास्थेटिक पेशेंट होता है समझो कि एनास्थेसिया के साथ तो अनकॉन्सियस कंडीशन में भी उसका बॉडी के जो ब्रीथिंग चालू रहे उसके लिए ब्रीथिंग ट्यूब भी कई बार इंसर्ट की जाती है इन द वि पाइप टू में ब्रीथिंग ड्यूरिंग द सर्जरी सो ये है main basic use anesthesia के, कि जब भी कोई पेशेंट पे कोई किसी भी टाइप की सर्जरी करनी हो तो पर्टिकुलर दैट बॉडी पार्ट या फिर टोटल uh, बॉडी जो अनकॉन्शियस आपको करनी है उसके लिए एनास्थेसिया जो है वो यूज किया जाते हैं तो उसके दो टाइप है अलग अलग वो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले है जनरल एनास्थेटिक्स एंड सेकंड है लोकल एनास्थेटिक्स जो जनरल एनास्थेटिक्स के अंदर सबसे पहले है इनहेलेशन तो इनहेलेशनल जो एनास्थे है उसमें गैस यूज होती है उसमें है नाइट्रस ऑक्साइड सेकंड है वॉलेटाइल लिक्विड्स इन दैट इथर हेलोथेन इनफ्लूरेन आइसोफ्लूरेन डिस एंड सीओ फ्लूरेन सो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉमन है पीछे फ्ल्यूरेन ओके तो ये फ्ल्यूरस वाली ड्रग्स हेलोथेन और इथर ये है वॉलेटाइल लिक्विड्स को जो यूज होते हैं एज अ जनरल एनास्थेटिक्स काफी आईएमपी ड्रग क्लासिफिकेशन है एनास्थेटिक्स ड्रग्स का और ये इनहेलेशन के अंदर गैस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड तो ये मेन मेजर पार्ट हुए जनरल एनास्थेटिक्स ड्रग के उसके अलावा उसके अंदर थर्ड टाइप है वो है इंट्रावेनसली जो इंड्यूसिंग एजेंट्स से लाइक थायोपेंटोन सोडियम और मिथोहेक्सिटोन सोडियम प्रोपोफॉल इटोमीडियट जो है वो है इंट्रावेनसली कि ये जो ड्रग्स है कि थायोपेंटोन, मिथोहेक्टोन प्रोपोफॉल एंड इटोमीडियट वगैरह जो है वो इंट्रावेनसली दी जाती है और ये भी है अंडर द क्लास ऑफ के अलावा एक और एनास्थेटिक स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स कि जिसके अंदर बेंजो डाइजेपाम लोराजेपम मिडाजोलम एंड डिसोसिएटिव आर ऑल्सो यूज देन कैटामाइन एंड ओपियोड एनाजिसिया तो ये ये जो दो क्लास है डिसोसिएटिव क्लास के अंदर है कैटामाइन एंड एन ओपियोड एनाल्जेसिया तो ये दो आपको खास याद रखना है और ये कई बार पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसोसिएटिव एनास्थिसिया ड्रग और व्हाट इज द रोल ऑफ कैटामाइन तो कैटामाइन का ये खास आपको याद रखना है कि भाई कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है रिगार्डिंग द तो उसमेंटिक्स so के बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है लोकल एनास्थेटिक्स तो उसका क्लासिफिकेशन है इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स के फर्स्ट इज लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन की जिसके अंदर क्लोरोप्रोकेन देन इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन के अंदर है लेडोकैन जिसको लिग्नो भी कहा जाता है देन प्रायलो थर्ड है हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन इन दैट टैट्रा जिसको एमेथो भी कहा जाता है देन बुपिवा कैन रोपिवा क्वैन एंड डिबू कैन की जिसको सेंको कैन भी कहा जाता है तो ये जो है लोकल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन मोस्ट आई एम पी ओके कि ये तीनों आपको याद रखने के लो पोटेंसी कौन सा है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड थर्ड इज द हाई पोटेंसी आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट सरफेस एनास्थेटिक्स की जो है सोल्यूबल जिसके अंदर है कोकेन लिडोकेन टेट्राकेन एंड बेनोक्सिनेट और सेकंड है इन जिसके अंदर बेंजोकेन ब्यूटाइल अमाइनोबेन्जोइट देन ब्यूटाम बेन भी कहा जाता है एंड ऑक् था जैन। तो ये पूरा आपको डिटेल क्लासिफिकेशन याद रखने हैं सरफेस एनास्थेटिक्स की जो है क्लास अंडर द लोकल एनास्थेटिक्स के अंदर तो लोकल एंड जनरल दोनों एनास्थेटिक्स ड्रग्स खास आपको क्लासिफिकेशन के साथ याद रखनी है आगे बढ़ते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में तो एंटी एपिलेप्टिक्स मतलब यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी ओके? कि जो एपिलेप्सी होती है कंडीशन लाइक सीज़र्स वगैरह की जो कंडीशन होती है पेशेंट्स के अंदर कि यहाँ पे आप देख सकते हो इन डायग्राम सडन ट्विंचिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टिंगलिंग सेंसेशन इन द आर्म्स और लेग्स एंड स्टिफनेस इन मसल ऑफ आर्म्स लेग और फेस की जिसको कंडीशन को कहा जाता है एपिलेप्सी सो एपिलेप्सी इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स एबनॉर्मल तो जो एपिलेप्सी है वो सी एन एस रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि जिसके अंदर ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो एबनर होती है जिसके कारण सीजर प्रोड्यूस होते हैं कि जिसको हम कहते हैं किसी पेशेंट के अंदर बॉडी uh, के अंदर जो सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं देन नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ सीजर्स अनयूजल बिहेवियर ऑफ देन सेंसेशन एंड समाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस तो ये भी सभी कंडीशंस को कहा जाता है एपिलेप्सी और उसकी ट्रीटमेंट में जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स तो ड्रग्स का जो डिटेल क्लासिफिकेशन खास याद रखना है कि सबसे पहले है बारबीचुरट्स तो बारबीचूरेट्स के अंदर फिनोबारबिटोन यूज होता है Then, के अंदर है ड्रग प्रीमिडोन थर्ड है हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स जिसके अंदर है फिनेटॉइन एंड फॉस फिनेटॉइन फोर्थ क्लास है के अंदर कि इमिनोस्टिलो स्टिलबेन कि जिसके अंदर कार्बेमेजेपिन एंड ऑक्स कार्बेजेपिन वो दो ये दोनों ड्रग्स काफी आईएमपी है डेरिवेटिव्स के अंदर है इथोसक्सीमाइड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वालपोरिक एसिड कि जिसको सोडियम वालपोरिट भी कहा जाता है एंड डिवाल प्रोएक्स तो ये जो है ड्रग्स काफी आईएमपी है इन एपिलेप्सी सो बार्बीचुरेट क्लास की ड्रग डिओक्सी बार्बीचूरियट हाइडेंटोन डेरिवेटिव्स, इम्यूनोस्टील सक्सिनिमाइड एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ये सभी क्लास की आपको ड्रग्स याद रखनी है आगे है नेक्स्ट सेवन्थ के अंदर बेंजोडाइजेपिन क्लास की जिसके अंदर क्लोनाजेपाम डाइजेपाम लोराजेपाम एंड क्लोबाजाम फिर फिनाइल ट्राइजिन के अंदर लेमोट्रीजिन ये खास एक ही ड्रग आपको याद रखनी है मोस्ट आईएमपी जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द क्लास ऑफ लेमोट्रीजिन दिट इज ए फीनाइल ट्राइजिन इन डेरिविटिव यूज एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग गाबा एनालॉग की जिसके अंदर गाबा पेंटिन प्रीगाबालिन दो ड्रग्स है, और न्यूअर ड्रग्स की जो यूज होती है ट्रीटमेंट में लाइक वीगा बाल्ट्रीन और टियाबिन एक्सेट्रा जो मेडिसिन यूज होती है सो ये टोटल दस आपको याद रखने हैं अलग अलग क्लास की जो यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ एपीलेप्सी उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड इट इज ए एंटीडिप्रेशन सो द प्राइमरी यूज ऑफ एंटी डिप्रेशन आर टू ट्रीट एजिटेशन ओके एंटी डिप्रेशन मतलब की मेन जो है वो टिप ट्रीटमेंट करनी है आपको डिप्रेशन की और डिप्रेशन रिलेटेड जो अलग अलग डिसीज एंड डिस से, लाइक की एजिटेशन देन देव कंपल्सिव देन चाइल्डहुड एनुरेसिस और बेडवेटिंग डिप्रेशन एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब कि जो हमने पार्ट फॉर में बात की थी कि जो चिंता होती है एनजाइटी डिसऑर्डर्स उसमें भी एंटी डिप्रेशन यूज होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स कि जो द्रिमुखी व्यक्तित्व है किसी पर्सन का उसके अंदर कि कई बार एकदम एबनॉर्मल हो अचानक से उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है तो जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर हम कह सकते हैं देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पी टी एस डी एंड सोशियल एंजाइटी डिसऑर्डर्स तो सिंपल है एक ही चीज की जो मेंटल कंडीशन है कोई भी पर्सन की कि जिसके कारण ये जो डिप्रेशन कंडीशन फॉर्म होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज की जाती है वो है एंटी डिप्रेशन तो एंटीडिप्रेश्स के अंदर इंक्लूड है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ इनहिबिटर्स कि जो हम माओ ए कहते हैं आर आई एम ए एस भी कहा जाता है इसको रिमास की मोक्लोबेमाइड uh, एंड क्लोर गाइलिन सेकेंड है उसके अंदर ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेशन टीसीएस उससे पहले ये आपको खास याद रखने हैं आर आई एम ए एस जिसके अंदर दो ड्रग है मोक्लोबेमाइड एंड क्लोर गाइलिन मोस्ट आईएमपी एग्जाम में पूछा जा सकता है काफी आई ड्रग्स है ये दोनों ऑफ आर आई एम एस जिसको रिमास भी कहा जाता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए ट्राईसाइकलिक एंटी डिप्रेशन के ड्रग है जिसमें है फर्स्ट सोडियम प्लस फाइव एस टी रिप्टिक इनहिबिटर्स इन दैट इमिप्रामाइन एमिट्रिप्टीलाइन ट्राइमिप्रामाइन डॉक्सिपिन डोथीएपिन एंड क्लोमिप्रामाइन तो जो इमिप्रामाइन रिलेटेड जो ड्रग है कि जैसे आप देख सकते हो पीछे है प्रामाइन पी आर ए एम आई यानी देन ट्रिप्टिन के अंदर एमिट्रिप्टिन ट्रिप्टीलाइन डॉक्पिन एंड जो जो पिन वाली जो दो ड्रग्स है तो वो भी यूज होती है एज ए टी सी ए ट्राइसाइक् एंटीडिप्रेशन आफ्टर दैट प्रीडोमिनेंटली सोडियम रिएप्ट इनहिबिटर्स इन दैट डेजी प्रामिन नॉ ट्रिप्टीलाइन एमोक्सापिन एंड रिबोक्सेन थर्ड क्लास है काफी आई एम पी ड्रग्स Uh, कि जिसको कहा जाता है एस एस आर आई सिलेक्टिव सेरोटेन इन रियप्टिक इनहिबिटर्स इन दैट फ्लूटिन फ्लूक्साम पेरोक्सेटिन एंड सरटालिन एसीटालोप्राम एक्सेट्रा ड्रग ये जो ड्रग्स है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है आपको मोस्ट कि जब भी आपको एस एस आर आई का नाम आए तो ये तीन चार ड्रग्स तो खास याद आनी चाहिए कि सर्टालिन है फ्लूएक्जेटिन है फ्लूआक्माइन पैरॉक्जिटिन सो एस एस आर आई क्लास की जो ड्रग्स है वो काफ़ी आई एम पी है नेक्स्ट है उसके अंदर ऑटिपिकल एंटी डिप्रेशन इन दैट uh, ट्राजोडोन मियनसेरिन uh, मेरिटाजेपिन एक्सेट्रा तो ये जो मेडिसिन है कि जो ट्रीटमेंट में यूज होती है डिप्रेशन के तो ये सभी क्लास आपको खास अच्छे से याद रखने कि चारों की चारों एसेसर हो डिप्रेशन हो देन नेक्स्ट इज ओप्यूड एनाल्जेसिक्स कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहा जाता है ये क्लास को सो uh, so, नार्कोटिक एनाल्जेसिक आर ए क्लास ऑफ मेडिसिन तो यूज टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट और क्रॉनिक पेन तो एनालिस्टिक्स तो हमें पता ही है कि जो पेन रिलीफ करने के लिए यूज की जाती है तो यहां पे है हमारे पास ओपियोइड क्लास तो ओपिओइड मतलब है रिलेटेड टू द नार्कोटिक ड्रग्स तो जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स कहा जाता है तो उसका भी काम मेन यही है कि टू प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम एक्यूट और क्रोनिक पेन सो दे मे ऑल्सो कॉल एपीएड ओपियोड एनाल्जेसिक और नार्कोटिक्स तो ये जो क्लास की जो ड्रग है उनको नार्कोटिक ड्रग्स भी कहा जाता है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी कहा जाता है एंड ओपीएड सो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती सो एनालिंग इज एन अनदर नेम फॉर ए मेडिसिन रिलीव द पेन तो ओपीएड एनालिंग की जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है कि जिसके लिए नार्कोटिक ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन लाइसेंस वगैरह खास जरूरी है फॉर द प्रिस्क्रिप्सन एज वेल एज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एक्सेट्रा सो लेट्स चेक दिस क्लास फर्स्ट इज इट इज एपियोइड इट इज ए मॉर्फिन एंड ओपियम फ्केलॉय तो नेचुरल ओपियम आल्लोइड्स के अंदर so, दो ही है मेन इंपॉर्टेंट इट इज ओपियम ओपियम डेरिवेटिव्स जो हम कहते हैं मॉर्फिन एंड कोडिन ये दोनों आफ्टर दैट सेकंड सेमी सिंथेटिक ओपियट्स की जो मॉर्फिन और कोडिन में से डिराइव किए जाते हैं कि लाइक डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसको हम फेमस हेरोइन के नाम से जानते हैं आफ्टर दैट फॉलकोडिन ऑक्जीमोरफॉन हाइड्रोमॉर्फोन एंड ऑक्जिकोडॉन की जो कोडिन एंड मॉर्फिन ये ये दोनों के डेरिवेटिव्स अलग अलग ड्रग्स है कि जो है सेमी सिंथेटिक ओपियड्स थर्ड है कंप्लीटली सिंथेटिक ओपिएड्स कि जिसके अंदर है पैथीडीन कि जिसको कहा जाता है मेपेरिडाइन फेंटानिल अल्फेंटानिल मेथाडोन, ट्रामाडोल एक्सेट्रा ड्रग तो ये खास आपको क्लासेस याद रखने हैं कि मेन तीन है ओपियोड जिस के अंदर एक है नेचुरल सेकेंड इज सेमी सिंथेटिक एंड थर्ड इज कम्प्लीटली सिंथेटिक क्लास तो ओप्योइड एनालोसिक के साथ है उनके एंटागोनिस्ट भी आपको खास याद रखने हैं कि एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कि जिसको है नालोरफिन पेंटाजोसिन नालबुफिन एंड मेटोरफेनल की जो है ये ओप्योइड एंटागोनिस्ट की जो ओप्योड एनालिस्क की जो इफेक्ट है उसको एंटागोनिस्ट करते हैं फिर पार्सियलर विक म्यू एगोनिस्ट काफा एंटागोनिस्ट लाइक बोपरिनोफाइन एंड प्योर एंटागोनिस्ट के अंदर है नालोक्सोन, नालट्रिक जोन एंड नालमे फिन तो इतने ड्रग्स आपको खास याद रखनी है एज अ ओप्योर्ड एंटागोनिस्ट क्लास आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉग्निशन एनहांसर तो ये खास आपके लिए जानना जरूरी है कि ये मेडिसिन का यूज क्या है तो इसको कहा जाता है न्यूट्रोपिक ऑल्सो नोन एज ए कॉग्निटिव एनहानसर्स आर ड्रग्स दैट सम पीपल यूज इन एन टू इम्प्रूव द मेमरी इंक्रीज मेंटल अटरनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज बूस्ट एनर्जी लेवल एंड वेकफुलनेस मतलब कि बॉडी को एनर्जेटिक्स करने के लिए मेमोरी पावर एनहांस करने के लिए आपके अंदर जो कंसंट्रेशन बना रहे कोई भी काम करते वक्त ओके okay? तो जो मेंटल ऑल्टरनेस uh, उसको इंक्रीज करने के लिए एज वेल एज टू बुल्ड द एनर्जी लेवल तो हावेवर सम हेल्थी पीपल यूज दिस ड्रग्स इन एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव देयर कोटिव परफॉर्मेंस कि समझो कि कोई भी पर्सन अच्छे से हेल्थी है कोई बीमारी नहीं है फिर भी uh, समझो कि एनर्जी इंक्रीज करनी है वर्किंग वर्किंग एनर्जी मेमोरी पावर एनहांस करना है मेंटल अट जो होती है वो उसको इंक्रीज करना है और कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो हेल्दी पर्सनस भी ये यूज करते हैं तो ये ड्रग्स जान लेते हैं कौन सी है एंड दिस इज कॉल्ड ए सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स ये ड्रग्स का एक और नाम है ये जो आपको याद रखना है कि सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स सो न्यूट्रोपिक्स ऑल्सो नॉन एज ए कॉग्नेटिव एनहानसर एंड दे ऑल्सो कॉल ए सैरेब्रो एक्टिव ड्रग्स तो उसके बारे में हम जान लेते हैं आपकी कौन सी ड्रग्स है तो फर्स्ट है कॉल एक्टिवेटर्स इन दे टैक्रिन रिवास्टिगमिन डोनेपेजिल एंड गैलान्टा माइन तो ये जो चार ड्रग्स हैं कॉलिनर्जिक एक्टिवेटर्स देन ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट एक ही ड्रग है मेमैंटाइन कि जो अल्जाइमरस डिसीज के अंदर खास यूज़ होती है जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में खास पढ़ेंगे अल्जाइमर की ट्रीटमेंट जो कैसे होती है न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर से वो भी देन मिसेनियस सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स लाइक पिरासीटाम पायरेटिनॉल बिबिला एक्सेट्रा तो जो हम बात कर रहे हैं ये मेहमान टाइम की तो अल्जाइमर की डिसीज में भी यूज होती है और अल्जायमर में मेनली क्या होता है रिलेटेड टू द मेमरी ओके तो ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट मिसेलेनियसरेब्रो एक्टिव ड्रग्स एंड कॉलिनर्जिक एक्टिवेटर्स वगैरह यूज होते हैं इन दिस क्लास आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट सी एन एस स्टिम्यूलेंट तो सी एन एस स्टिम्यूलेंट क्या है सी एन एस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको स्टिम्यूलेट करना है तो मेडिसिन दैट स्टिमुलेट द ब्रेन स्पीडिंग अप द बॉथ मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड ए सीएनएस स्टिमुलेंट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारी उसके मेन पार्ट है ब्रेन और साथ में है स्पाइनल कॉर्ड तो मेन जो आपका ब्रेन ही है जो सब कंट्रोलिंग करता है तो ब्रेन जितना आपका स्टिमुलेंट होगा उतना आपका बॉडी फंक्शन भी क्या होगा स्टिमुलेट रहेगा तो सिमेंस सिमुलेट सीएनएस स्टिमुलेंट्स मेडिसिंस का काम ही यह है सो दे इंक्रीज द एनर्जी इंप्रूव अटेंशन अल्टरनेस एंड एलिवेट ब्लड प्रेशर हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट तो ये क्या करते हैं मेनली एनर्जी आपकी इंक्रीज करवाते हैं कि समझो कि कोई uh, डिप्रेशनेंट हो सीएनएस तो वो स्टिम्युलेट करवा देते जैसे कि लाइक आपको ताजगी के लिए जैसे आप टी या कॉफी लेते हैं तो उसके अंदर कैफीन होता है ओके तो कैफीन के कारण क्या होता है कि सी आपका स्टिम्यूलेट हो जाता है और समझो कि किसी को नींद आती हो पढ़ाई करते वक्त और जैसे ही आप चाय या कॉफी लेते हो तो तुरंत से आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिम्युलेट हो जाती है सो so यही है क्लासेस के ड्रग्स की जो है फर्स्ट कन्वर्जन लाइक स्ट्रिकन है बिकोसी ड्रग है देन पिक्रोटॉक्सिन और पेंटालिन ने टेट्राज पीटी जिसको कहा जाता है आफ्टर दैट एनालिप्टिक्स के अंदर डॉक्साप्राम एंड थर्ड है साइकोस्टिबुलेंस uh, जिसके अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोकेन कैफीन कैफिन मोडाफिन एम्फेटाम फेनीडेट एंड पैमोलिन एक्सेट्रा जो ड्रग है वो है सी एन एस स्टिम्यूलेंट ड्रग नॉर्मली जो हम चाय या कॉफी जो लेते हैं उसके अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है कि जो सी एन एस स्टिम्यूलेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करता है नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कि जो एंटीसाइकोटिक्स आर ऑल्सो नोन एज ए आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशन प्राइमरली यूज टू मैनेज द साइकोसिस कि जो साइकोसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स है कि जिसको हम कहते हैं कि डिल्यूश हेल्यूसिनेशन पैरानोया प्रिंसिपली इन सीजोफेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर की जो मेंटल डिसऑर्डर्स है मेनली तो उसके ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक्स यूज की जाती है एंटीसाइकोटिक्स आर यूजली इफेक्टिव इन रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस इन द शॉर्ट टर्म के शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो भी साइकोसिस रिलेटेड डिसऑर्डर से उसको ट्रीट करता है क्योंकि ये मेडिसिन मेनली जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए भी यूजफुल जिसको न्यूरोलैप्टिक्स भी कहा जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर ऑल्सो कॉलेड ड्रग तो उसका क्लासिफिकेशन है सबसे पहले फिनोथाइजिन uh, क्लास के अंदर एलिफेटिक साइड चेन जिसके अंदर क्लोरप्रोमेजिन एंड ट्राइफ ट्राइफ्लू प्रोमेजिन ये दो ड्रग है एलिफेटिक साइड चेन वाली देन पाइप्रेडिन साइड चेन की जो ड्रग है वो है थायोरी डाजीन। थायोरी डाजीन आपको याद रखनी है थर्ड है पाइप्राजिन साइड चेन तो वो है ट्राइफ्लू पेराजिन एंड फ्लूफेना जिन तो ये जो है फिना था डेरिवेटिव्स के अंदर एलिफेटिक पाइप्रेडिन एंड पाइप्रा जीन साइडचन ये तीनों क्लास की ड्रग आपको अच्छे से तैयार करनी है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सेकेंड इज ब्यूटाइरोफिन लाइक हैलोपेरीडॉल ट्राई फ्लू पेरीडॉल की जो पेरीडोल क्लास की जो ड्रग्स है देन था लाइक फ्लूफेन्थिक्सॉ अदर हिट्रोसाइक्लिक लाइक पीमोजाइड लॉक्सापिन एंड रेसरपिन अटिपिकल न्यूरोप्ट लाइक क्लोजापिन एंड रिसपेरिडोन इज आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस उसके बाद है ओलाजेपाइन एक्सेट्रा ड्रग फिर अदर जो है कि ओलांजेपाइन के साथ है क्वेटियापिन, पिन एरेपी प्राजोल एंड जिप्रासिडोन। तो ये हुई ड्रग्स एंटी साइकोटिक्स। सो so, ये लेक्चर में हमने टोटल सेवन अलग अलग क्लासेस के ड्रग पढ़े हैं रिमेनिंग जो है ऑलरेडी वन टू फाइव पार्ट अब अवेलेबल है सिक्स पार्ट भी हम जल्दी से आपके लिए अपलोड करेंगे सो टिल देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप बाय सेंड योर नेम एंड व्हाट्सएप ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन टू एट जीरो एट थ्री सिक्स यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप टू Mr. Amar Rawal, owner and founder of Farmarox, the way of success on his WhatsApp number 9016312020. So, good luck and all the best.